ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी भी आत्मा को परेशान नहीं करना। अगर दुख देंगे तो हमें दुखी होकर के मरना पड़ेगा। इसलिए अब हमें इस कर्मों के गुही गति को समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान में चलने के बाद अब मेरे से किसी की भी आत्मा को मेरे कर्मों से, मेरे बोल से, मेरे व्यवहार से दुख न फील हो जाए, ऐसे कर्म करना है। उसके बाद प्रकृति अगर हमको सहज कहे कि आप जा सकते हैं, कब कहेंगे? प्रकृति के पांच तत्वों को भी रोज इमर्ज करो और उनको कहो कि हे प्रकृति के पांच तत्व, आप लोगों ने हमको सतयुग से लेकर के अब तक बहुत पालना किए, बहुत अच्छा अच्छा शरीर दिया, बहुत अच्छा अच्छा भोजन दिया, बहुत अच्छे अच्छे प्रकृति दी, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने देहाभिमान में आकर के, अभिमान वश होकर के, अज्ञान वश होकर के, हे प्रकृति आपका मैंने दुरुपयोग किया, तो मेरे से गलती होगी, मुझे माफ करना। अगर रोज प्रकृति के पांच तत्वों से माफी मांगेंगे तो हो सकता है प्रकृति आपको छोड़ देगी। लेकिन केवल माफी लेने से नहीं, अब मुझे प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना है, मुझे आंखों का दुरुपयोग नहीं करना है, कान का दुरुपयोग नहीं करना है। इतना ही नहीं, किसी प्रकृति को दुख नहीं देना। व्यक्ति को नहीं, प्रकृति है। व्यक्ति को दुख देना अर्थात प्रकृति को दुख देना। इसलिए किसी को भी मुझे दुख नहीं देना है। हर इंद्रियों को मुझे अपने शासन प्रमाण चलाना है।